सुप्रभात बच्चों, मैं राजीव कुमार बाल भारती इंग्लिश स्कूल से। मैं जो आज पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का शीर्षक है प्रार्थना। उस पाठ का शीर्षक है प्रार्थना। इसे देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान। वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। इस तरह से पढ़ते हैं कि प्रार्थना, प्रार्थना को गाना है। कैसे गाते हैं, गाएंगे हम लोग। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक ही नादान, हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान। वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। इस तरह से गाएंगे। अब इस प्रार्थना में कुछ कठिन शब्द है, आइए इसको देख लेते हैं। विनती, विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। विनती का अर्थ क्या होता है, प्रार्थना। अगला है रोज, रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन, नित्य दिन। अगला है वीर, वीर का अर्थ होता है साहसी, जो समस्या का डटकर सामना कर सके। अगला है वरदान, वरदान का अर्थ होता है आशीर्वाद, वरदान का अर्थ होता है आशीर्वाद। जैसे गुरु से आशीर्वाद लेना, माता पिता से आशीर्वाद लेना, अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेना। अगला है नादान, नादान का अर्थ होता है ना समझ, अबोध। अगला है गुणगान, गुणगान का अर्थ होता है गुणों का बखान, क्या होता है, गुणों का बखान। लास्ट है धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, धीरज रखने वाला, है ना, क्या होता है, धीरज रखने वाला। इस तरह से हम लोग शब्दार्थ को जान लिए। अब आइए प्रार्थना भावार्थ को भी समझते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हे नादान, बच्चा भगवान से बोलता है हे भगवान, हम सब बालक नादान, ना समझ है, अबोध है, इसलिए हमारे विनती को सुने। हाथ जोड़ कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान, बच्चा कहता है हे भगवान, मैं प्रतिदिन हाथ जोड़ कर आपका ही गुणगान करता हूँ, आपका ही प्रार्थना करता हूँ, आपका ही पूजा करता हूँ। वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, बच्चा भगवान से ऐसा कहता है हे भगवान, मुझे ऐसी ताकत दे जिससे हम साहसी बन सके, वीर पुरुष बन सके, धैर्यवान बन सके और पढ़ लिख कर महान व्यक्ति बन सके। करे सदा देश की सेवा, तू हमको ऐसा वरदान, बच्चा भगवान से बार बार ऐसा आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दे, ऐसा आशीर्वाद दे ताकि मैं अपने देश की सदा सच्ची लगन से सेवा कर सकूं। इस तरह से हम लोग इसका भाव समझ लिए। इस प्रार्थना से हमें भी कुछ सीख मिलती है, हमें भी इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान मुझे भी बुद्धि दीजिए, काया दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, आयु दीजिए और अपने माता पिता की सेवा कर सके जिससे अपने देश समाज का नाम रोशन कर सके। और हमें भी मेहनत करके सबकी लगन से पढ़ाई करना चाहिए, गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए, माता पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर संस्कार बढ़े, ज्ञान बढ़े। है आज तक का क्लास इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास।